तंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि काफ़ी राजनीतिक दलों के लोग उस मौलिक अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। रीवा के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जनार्दन मिश्र जी, उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं के लिए जो अनर्गल टिप्पणी की है उससे पूरे समाज की भावनाएँ आहत हैं। एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जिसको देश की जनता ने, रीवा की जनता ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है, उनके ऐसे घृणित विचारों से जब सुनने से लोगों को आहत हुए हैं तो सभी के मन में काफ़ी आक्रोश इस चीज़ के खिलाफ हुआ है। राजपूत समाज के हमारे सभी युवा साथियों के द्वारा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठों के द्वारा आज जनार्दन मिश्र को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी को पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि रीवा के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्र जी, इनके द्वारा राजपूत समाज से माफ़ी मांगी जाए। और हमारे कई ऐसे राजपूत सरदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोगों ने तो पत्र के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये मांग तक कर डाली है कि हमारी भूल कमल का फूल, और यदि रीवा सांसद द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती तो हमको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, हमको पार्टी से निकाल दिया जाए। इस तरीके के विचारों के साथ भी काफ़ी युवाओं ने अपनी भावनाएं प्रकट की है, तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि ये बात उन लोगों के कानों तक पहुँचे जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों के द्वारा सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी ऊटपटांग उलझुलूल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का, जो संविधान की शपथ ली है, उसका आदर करना चाहिए और अपनी भाषा संयमित रखना चाहिए। कोई भी बात हो संयम के साथ अपनी बात बोलनी चाहिए। आज हम सब इसीलिए, हमारे क्षत्रिय महासभा के साथी और अन्य संगठनों के साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ थे उन तक भी पहुँचे और जनार्दन मिश्र तक भी पहुँचे और वे अपनी इस घृणित भाषा शैली पर समाज के लोगों से माफ़ी मांगें। यही हमारी मांग।